अगर दोस्तों आपने सपना देखा है कुछ बनने का, उसके बावजूद अगर आपको अच्छी नींद आती है, तो विश्वास कीजिए आपका सपना वो सपना नहीं है जो आप करना चाहते हो। दोस्तों हर चीज को करने के लिए, हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में गोल होना चाहिए। हर एक गोल को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आता है, कमेंट आता है कि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, हर तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का बिजनेस करना चाहता है, कोई किसी तरह का बिजनेस करना चाहता है, ये उनका सपना होता है। बट उस सपने को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इसका कोई अता पता नहीं होता है। दोस्तों लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझ लेते हैं। लक्ष्य पाने के लिए सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई लक्ष्य आपको आसानी से मिल जाता है, तो विश्वास कीजिए वो आपका लक्ष्य था ही नहीं। आपका लक्ष्य वही हो सकता है जिसके लिए आप कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर करें। जीवन में अगर कुछ आपको पाना है, अगर कुछ आपको खोना है, कुछ हासिल करना है, तो हमेशा एक गोल निश्चित कीजिए। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना हो, चाहे ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस क्यों ना हो, अपने हर बिजनेस के लिए, अपने हर पर्सनल लाइफ के लिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, ये आप कहीं ना कहीं लिख करके जरूर रखें। उसको हर दिन जरूर देखें, ताकि वो आपका जो सपना है आपके शरीर में रोम रोम में बस जाए, और आपको सोते जागते हमेशा आपको सिर्फ वही एक सपना दिखाई दे जीवन में, इसके अलावा ज्यादा कुछ दिखाई ना दे। मेरे भी लाइफ में अगर मैं बात करूं खुद का, तो आज से 3 साल पहले मेरे भी लाइफ का कोई ज्यादा लक्ष्य था नहीं। जीवन में जॉब कर रहा था, चाह रहा था कि जॉब करते हुए हमारा जीवन आगे कट जाएगा, वही हमारा लाइफ है। बट 3 साल पहले किसी कंपनी में ही मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुआ जिन्होंने एक्चुअल में लाइफ के बारे में बताया कि करना क्या चाहते हो, करना कैसे है और पहुंचना कहाँ है। सिर्फ जॉब कर लेने से, कंफर्टेबल लाइफ बना लेने से लक्ष्य हासिल नहीं होता है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य 2 तरह का हो सकता है। पहला, आपको किस तरह का बिजनेस कितना करना है। आपने सोचा कि अब मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूं, तो आने वाले 6 महीने में, लंबा कोई आप टाइम मत लीजिए, 100 टाइम में छोटा लक्ष्य रखिए, छोटे छोटे लक्ष्य को आप हासिल करते जाइए, धीरे धीरे वो लक्ष्य ऑटोमेटिक बड़ा होता चला जाएगा। आप मान लीजिए कि छोटा सा ही बिजनेस है आपका, ज्यादा कुछ नहीं है, आनंद रोड लाइन के नाम से आपने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी डाल दिया, आपका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो मान लेते हैं कि लखनऊ में है। अब है कि आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कि 6 महीने में मुझे पर डे कम से कम 5 गाड़ी तो लगाना ही लगाना है। ये एक्चुअल में लक्ष्य होता है। पहले ये लक्ष्य बनाइए कि आपको 6 महीने में 5 गाड़ी लगानी है। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया, फिर आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो, उसके लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हो। लक्ष्य दोस्तों ऐसा भी मत रखिए जो कि एक इम्पॉसिबल सा लगे, ना हो सके ऐसा लक्ष्य कभी कोई बनाइए ही मत, क्योंकि इसमें आपका टाइम का वेस्टिंग होता है, आपके पैसे का वेस्टिंग होता है और आपके हेल्थ का वेस्टिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे 6 महीने में 200 ट्रक पर डे लगाना है। अगर मैं करेंट सिनेरियो में देखूं, अगर मैं कोई स्टार्टिंग कंपनी के में बात करूं, अगर उसके पास बहुत पैसा है तो वो 200 ट्रक पर डे का लगा सकता है। मगर अगर कोई आनंद रोड लाइन जैसी कंपनी है, वो अगर चाहे कि 200 ट्रक पर डे लगाए,
तो ये एक नामुमकिन सा लगता है। तो जरूरत है कि आप छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए, उसको हासिल कीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीवन में एक चीज हमेशा आप अपने अंदर डाल लीजिए, चाहिए तो चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, चाहिए तो चाहिए। मतलब कि अगर मेरा वो लक्ष्य है, अगर मुझे वो करना है, तो चाहे कुछ हो, मैं उस चीज से ना तो इधर हो सकता हूँ ना मैं उधर हो सकता हूँ, मुझे बस वही चाहिए। अगर मुझे 5 ट्रक पर डे लगाना है तो मुझे लगाना है, इससे आगे तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, कैसे पैसा आएगा, कैसे बिजनेस करना है, वो एक साइड हो जाती है बात, उसका एक मेथड अलग हो जाता है। उसके बारे में इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा, बट सबसे पहले आप बताइए कि मुझे 5 ट्रक लगाना है तो लगाना है। ये एक छोटा टारगेट है, एक छोटा गोल है, बट एक टाइम बाउंड गोल है। मतलब कि आपने समय निश्चित कर दिया, काम निश्चित कर दिया, अब बस आपको वो करना है। इसी के हिसाब से अगर आप सोचते हो पर्सनल लाइफ की, हम लेते हैं ये तो थोड़ा प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल लाइफ की लेते हैं, कि आपने सोचा कि मुझे 3 साल के बाद कार खरीदना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कैसी है, आप उसी के हिसाब से कार के लिए सोच सकते हो। अगर आप ये सोच लेते हो कि मुझे फरारी कार 3 साल में खरीदना है, तो क्या आज के डेट में आपके पास वैसा इनकम है, क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप आने वाले 3 साल में फरारी कार परचेज कर सको? तो उसके लिए भी आपको एक गोल ऐसा सेट करना है जो गोल जो है आप अचीव कर सको, जिसको कि आप कैच कर सको, जिसको आप पकड़ सको। ऐसा गोल आप बिल्कुल मत बताइए जिसमें कि टाइम का वेस्टिंग हो, किसी भी तरह के पैसे का वेस्टिंग हो, या फिर आपके हेल्थ का वेस्टिंग हो। छोटा छोटा गोल जरूरी है दोस्तों, छोटे छोटे गोल ही आगे जाकर के बड़ा गोल बनता है। अभी आपने 6 महीने के लिए 5 ट्रक पर डे का रखा, साल भर के बाद, मतलब उसके 6 महीने के बाद आपने रखा कि नहीं मुझे पर डे का 15 ट्रक लगाना है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कि आने वाले 2 साल के बाद आप कितने ट्रक लगाओगे, तो आप मान लो कि 50 ट्रक या 100 ट्रक का आपने टारगेट रखा है, तो उसको आप अचीव कर सकते हो। उसको अचीव करने का जो तरीका है, वो आपको 5 ट्रक जब आप लगाते हो ना, उसी समय पता चल जाता है कि मुझे वो 5 ट्रक कैसे लगाया हूं, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। जब वो 5 ट्रक का मेथड आपको पता चल जाता है, तो आपको चाहे 200 ट्रक लगाना हो, या 300 ट्रक लगाना हो, 500 ट्रक लगाना हो, पर डे का आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ता है, वही तरीका अप्लाई करना पड़ता है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है तरीके में, बट तरीका वही होता है। कस्टमर आपको वैसे ही खोजना होता है, पैसा का आपको अरेंजमेंट वैसे ही करना होता है, प्लानिंग आपको वैसे ही करना होता है, जिसके बारे में कि मैं आपको बता रहा हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने सेट किए हुए गोल को, अगर आपको 5 ट्रक लेना है, आपको 5 ट्रक चाहिए ही चाहिए, आपको 5 ट्रक का बिजनेस करना ही करना है, तो उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए, ये इसका जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, किसी तरह का कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप उसी तरह से मुझे पूछते रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपके लिए हमेशा लोड पोस्टिंग होता जा रहा है, आप चाहे तो वहां से अपने ट्रक के लिए भी लोड ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।